महाराष्ट्र के अमरावती में गोलाकार पत्थरों की एक अनोखी भौगोलिक घटना उत्सुकता जगाने वाली है। मेलघाट के नारनाला अभ्यारण्य में मलकापुर गोंड गांव के पास एक नाले में गोलाकार पत्थर पाए जाते हैं। इस नाले में आश्चर्यजनक रूप से गोल आकार के पत्थर पाए जाते हैं। नाले को पत्थरों के आकार की वजह से ही गोलिया देव का नाला भी कहा जाता है। गांव में कुल 4 गोलिया देव हैं और जंगल में पहाड़ पर गोलिया देव का एक मंदिर भी है। लोग गोलिया देव की पूजा करते हैं। गोलिया देव की पूजा करते हो? हर साल वहां पर गोलिया भगवान की पूजा करता हूं। हमारे गांव के करीब नदी है, वहां पे बड़े आकार के गोल पत्थर है, उसे ही ये गोलिया भगवान के नाम से जाना जाता है। 1990 में वन विभाग ने नहर से लगभग 80 गोलाकार पत्थरों की खुदाई की थी। कुछ पत्थरों का वजन तो 300 किलो से भी अधिक था। उस दौरान उत्खनन में विभाग के स्वर्गवासी विजय भोसले का बड़ा योगदान था। भूविज्ञानी विजय भोसले ही आकृति की रासायनिक और यांत्रिक संरचना को समझाते थे। हम इन पत्थरों के बारे में पता है, इतने बड़े आकार के पत्थर इंसान नहीं बना सकते। पूरी तरह से गोलिया पत्थर एलियंस ने बनाए होंगे, ऐसी रिपोर्ट और डिस्कवरी चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली। इस जगह के पत्थर कुछ बाहर निकाले गए हैं, कुछ मलकापुर गोंड के पत्थर हैं। इस गांव के लोग इसे भगवान मानकर इसकी पूजा करते हैं और कुछ पत्थर मलकापुर के पास में जो घाटी है वहां पड़े हुए हैं। इस पत्थर को बनाने का उद्देश्य क्या था? क्या वे एलियंस द्वारा बनाए गए थे या फिर पुराने जमाने के इंसानों ने किस लिए इसे बनाया था? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तर मग हे एलियंस नी बनवले असतील का किंवा फार प्राचीन काळात मानवाने कशासाठी बनवले हा एक प्रश्न आहे। पत्थरों का सटीक गोलाकार यहाँ पहुँचने वाले को आश्चर्यचकित कर देता है। जर आपण भौगोलिक दृष्टिकोनातून विचार केला तर ह्या खडकामध्ये जब हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ऊंचाई से गिरने वाला पानी यांत्रिक क्षरण का कारण बनता है। इससे पत्थर टूट जाते हैं और पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं। बहते वक्त वो पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं, इस वक्त घर्षण होता है। इस प्रक्रिया की वजह से पत्थर को गोल आकार मिल जाता है। साथ ही ये पत्थर खनिजों से समृद्ध होते हैं, इसलिए वहाँ रासायनिक क्षरण भी होता है। इन दो वजह से यहाँ के पत्थरों को गोल आकार प्राप्त हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। भौगोलिक कारणाने जर विचार केला तर ते म्हणजे सन्निघर्षण ही जी प्रक्रिया त्या ठिकाणी घडून येते, सोबतच केमिकल इरोजन जे होऊन राहिलंय, रासायनिक विदारण, ह्या दोन कारणामुळे ह्या ठिकाणच्या खडकांना गोलाकार आकार प्राप्त झाला असावा असे माझे भौगोलिक मत आहे। अगर आप भौगोलिक रहस्यों को लेकर उत्सुक हैं तो आपको इस जगह की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।